डिफेंडर ऑफ स्टेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने ये टाइटल दिया है पाकिस्तान आर्मी को। साथ ही इमरान खान के अरेस्ट से दो दिन पहले चाइना के टॉप डिप्लोमेट्स ने भी पाकिस्तानी आर्मी को चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप का डिफेंडर बताया था। दोस्तों अब ये क्लियर है कि किस तरह चाइना को भी ये बात पता है कि पाकिस्तान में डिफैक्टो रूलर आर्मी है, ना कि इलेक्टेड गवर्नमेंट। और रिसेंटली कंक्लूडेड चाइनीज डिप्लोमेट की पाकिस्तान आर्मी जनरल असीम मुनीर के साथ मीटिंग चाइना की इस अप्रोच को प्रूव भी करती है। और आज चाइना पाकिस्तानी सिविलियन गवर्नमेंट को छोड़कर पाकिस्तान मिलिट्री से डायरेक्ट डील कर रहा है। साथ ही इस मीटिंग में चाइनीज डिप्लोमेट्स ने पाकिस्तान की चाइनीज फ्रेंडली पॉलिसीज की तारीफ भी करी थी, जो चाइना की इस अप्रोच को क्लियरली दर्शाता है। तो क्या दोस्तों हमें भी पाकिस्तान के साथ यही अप्रोच रखनी चाहिए, जहां इलेक्टेड ऑफिशियल्स की जगह डायरेक्ट पाकिस्तानी जनरल से हमें डील करना चाहिए?